अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात सोहना की करेंगे, जहां पर एक निजी अस्पताल में फायरिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल में फायरिंग की है। निजी अस्पताल में 3 राउंड फायरिंग का आरोप अस्पताल संचालक ने पुलिस को शिकायत दी। मामले की गहनता से जांच में जुटी सिटी पुलिस। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोहना से खबर है, जहां एक निजी अस्पताल में फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल में फायरिंग की है। सोहना से मेरे सहयोगी सतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या ये पूरा मामला है? देखिए सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीती देर रात का मामला है, करीब 2:30 बजे का, जहां पे एक दिल्ली अलवर सड़क मार्ग पे सोहना गंदा नाला के समीप एक हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पर अज्ञात हमलावर आया और उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर 3 राउंड फायरिंग किए, जबकि एक हम बात करें अगर एक गोली की, तो एक गोली वहीं पे फंसी हुई है अभी भी, और 2 गोलियां पास को तोड़ के पार हो गई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक भी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये जो वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी थे, बदमाश थे, कौन थे और कहां के थे और किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हाँ। और इसका खुलासा तो तभी हो पाएगा, तब पुलिस आरोपियों को पकड़ेगी और इसके पीछे का रास्ता भी खुल पाएगा। कोई हताहत भी हुआ है सतीश इस फायरिंग में? देखिए गनीमत यही रही कि इस फायरिंग के दौरान जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ था, वो पीछे था और लेटा हुआ था, नहीं तो यहाँ पे एक बड़ी वारदात मतलब घटना हो सकती थी, गोलियां यहाँ पे लग सकती थी, क्योंकि गोलियां जहाँ से चलाई गई और सीधे जो काउंटर के ऊपर चीज कांच को तोड़ के और जहाँ बैठने का स्थान था वहीं पे गोलियां बिल्कुल निकली है और वहीं पे गोली जाके फंसी है। ये भी बताइए सतीश, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जरूर आसपास लगे होंगे, क्योंकि अस्पताल का ये पूरा एरिया था, तो इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए इस हॉस्पिटल में नहीं लगाए थे सीसीटीवी कैमरे, इसके अलावा पुलिस जो है नजदीकी और जो स्थान है उनको देख रही है, कहीं पे सीसीटीवी की फुटेज अगर मिले, लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिससे पुलिस आरोपी की गिरफ्त तक पहुंच सके। चलिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल तो पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है, बदमाशों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है।